अब इस तरह रोने से क्या होगा अनम? मुझे क्या पता था फरजाना बाजी इस तरह करेंगी। मैंने तो उन पर एतबार किया था, आज तो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरे कहने पे उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की। मुझे समझ नहीं आ रहा, जिस शख्स को तुम जानती तक नहीं हो उसके साथ बिजनेस डील कर ली। उसे जॉब गई थी, गाड़ी की किस्तें नहीं भरी थी। सिर्फ गाड़ी ही तो है हमारे पास। मिसेस वलीद, आप गाड़ी ले लिया, मुझे 5 लाख रुपए दे दे प्लीज। मैं क्या करूंगी गाड़ी लेके, मुझे जरूरत नहीं है गाड़ी की। आज कोशिश कर रहे हैं लेकिन गाड़ी बिक ही नहीं रही है कहीं। तुम लोगों ने गाड़ी लोन पर ली है ना? वलीद आप किसी तरह मुझे 5 लाख रुपए दिलवा दे प्लीज, मुझे इस वक्त बहुत जरूरत है पैसों की। अच्छा ठीक है तुम परेशान नहीं हो, मैं करती हूँ कुछ। बहुत मजबूर हूँ, आप प्लीज कुछ करें, किसी तरह बस 5 लाख रुपए मिल जाए। तुम दोस्त हो मेरी, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। थैंक यू। परेशान लग रहे हैं आप। कॉन्ट्रैक्टर का कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने बहुत कोशिश की। ये तो परेशानी की बात, मगर इसे अपने सर पर इतना सवार मत करें। तुम भी आरे भाई वाली बात कर रही हो? हमार पैसा जिंदगी से बढ़कर तो नहीं, और हकलाल की कमाई है, कहीं नहीं जाएगी। मेरा ईमान है कि आपको आपका पैसा मिलेगा। ऐसे वक्तों में बीवियां अक्सर शौहरों से लड़ती हैं, मगर तुमने कमाल हौसले से मेरी हिम्मत बंधाई। आपकी जिंदगी और आपकी मोहब्बत से बढ़कर मुझे कुछ नहीं। अब पैसा है, कमा ही लेंगे। थैंक यू माँ। आरिफ भाई की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि अब तुम घर की फिक्र छोड़ो, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो और अमेरिका आने की तैयारी पकड़ो। कल एम्बेसी जाना है इंटरव्यू के लिए। फरजाना बाजी क्या हुआ? वो जावेद भाई अस्पताल से कब फ्री हो रहे? अब जब फ्री होंगे बता दूंगी मैं तुम्हें। झूठी मक्कार औरत, धोखेबाज, फ्रॉड एग्जाम में कि तुमने धोखा दिया है ना? छोड़ो मुझे, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें। मोटरसाइकिल चला था, खुद देख कर आ रही हूँ मैं अपनी आंखों से, पीछा किया था मैंने उसका। उसने मुझे जो बताया मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रही हो? तुमने मुझे उससे मिलवाया था, ये घर तुमने उसके कारोबार से लिया था। मेरी बात याद रखना, अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तुम्हारी घर को आग लगा दूंगी मैं। पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ मैं। ये सारी फाइल ना, ये सारे कागजात सब कुछ जाली है। तुमने मुझे उसके साथ मिलकर फ्रॉड किया है ना, तुम देखो तुम्हारा क्या हाल कर। नहीं मैं शगुफ्ता बाजी अब मेरी खैर नहीं है। उस अनम ने ना जावेद भाई को बाहर कहीं देख लिया है, और मुझे भी ना मारने की धमकियां देके करिए। तुम डर गई? जाहिर सी बात है डरू नहीं तो और क्या करूं। उसने मुझे और मेरे घर दोनों को आग लगाने का कहा है। पहले अपने बाप का घर तो बचा ले। क्या मतलब? अब वक्त आ गया अनम पे बम फोड़ने का। क्या तुम देखना, अनम पे ऐसा बम फोड़ूंगी कि तुम्हें और जावेद दोनों को ही भूल जाएगी। चल जो भी है, जो करना है आपको जल्दी करें, मेरी उससे जान छुड़ा। करती सारा बंदोबस्त करती, तुम बेफिक्र हो जाओ।